हाय गाइस, तो मैं आपको वीडियो चैनल अशोक सीधा हो यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो पता चल गया आपको कहाँ है हम। तो गाइस ये हेयर एट अशोक शीला। एक्चुअली ये मेरे को अभी पता नहीं है एग्जैक्टली क्या है, तो जैसे जैसे मेरे को पता चलता जाएगा आपको मैं बताता जाऊँगा। ये डाक पत्थर के पास ही है। अरे साइशा तू बहुत भारी है यार, उतार दूँ तेरे को नीचे। हाँ छोड़ो के पकड़ो, छोड़ो के पकड़ो, पकड़ो। आई वीडियो बनाने के लिए हम मतलब दिल्ली से वीडियो बनाने आए हैं। परमिशन लाओ। आई एम वेरी सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। अच्छा कल उधर मतलब जो है आप अनुमति लाओ, उसके बाद जो है तब जाके होगा सर। फोटो खींच लो, गवर्नमेंट का है। फोटो तो खींच सकते हैं ना, फोटो खींच सकते हैं, लेकिन वीडियो। तो गाइस वीडियो के लिए मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं परमिशन चाहिए। तो अभी कैसे दिखाऊंगा मैं आपको, मेरे को पता नहीं परमिशन कहाँ से लाऊं इनके लिए। मेरे पीछे ही घूम रहा है देखने के लिए कि ये वीडियो तो नहीं बना रहा है। तो घूम रहा है, बार बार बोल रहा है वीडियो नहीं, सबको बोल रहा है। पर मैं इतनी दूर से आया हूँ आपको दिखाने के लिए, वीडियो नहीं बनाऊंगा तो क्या फायदा। चलो आगे चलते हैं। अभी तो गाइस दिस इज इट, इतना सही है अशोक शिला। ये देख रहे हो आप, ये पीछे जो ये बना हुआ है इनका, अशोका जी का कुछ बना हुआ है ये, और ये गार्डन सा बना हुआ है। यहाँ पे आप बैठ के अपना एंजॉय कर सकते हो, खा पी नहीं सकते पर अंदर ना वीडियो बना सकते। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि जो अशोका सम्राट थे वो अपने राज्यों को कैसे मेंटेन करते थे, कैसे मतलब चलाते थे, मतलब वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पे कार्विंग हो रखी है, सब पुराने टाइप के पत्थर वगैरह लगे हुए हैं। तो बस यही हिस्ट्री है इसकी, ज़्यादा कुछ खास है नहीं यहाँ पे देखने वाला, खाली एक ये बना हुआ है जो आपको दिखाया मैंने अभी वीडियो में। बाकी आप यहाँ से ये व्यू एंजॉय कर सकते हो। आप बोलना चाहोगे मेरे फॉलोअर्स को कुछ? हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो हम आए हैं अशोक शिला, तो हम अभी आ हमारे साथ, हम अभी आपको कोसला बहुत अच्छे से दिखाते हैं। अच्छा बहुत अच्छे से दिखाते हैं। यहाँ पे है क्या दिखाने वाला? यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे पौधे हैं। वो अंकल बोल रहा है कि वीडियो नहीं बनानी वरना मैं साईशा को ले जाऊंगा। उनको आवाज़, उनको पता चल गया साईशा वीडियो बना रही है, अब तेरे को पकड़ लेंगे जैसे ही जाएंगे। फिर क्या हुआ? नहीं था अशोक की ना, ये था तो ये था अशोक शिला। आ जा सम्राट, नहीं सम्राट अशोक शिला, इतना सही था। अब हम जा रहे हैं लेक। अब कहाँ जा रहे हैं? अब हम आसन बिराज जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं आसन बिराज, ये भी डाक पत्थर में ही है आसन बिराज। आप भी जा सकते हो अगर यहाँ पे आओगे, काफ़ी अच्छी जगह है, वहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है। बाकी वहाँ चल के दिखाते हैं आपको। बाय गाइस। उन्होंने हमारे साथ लड़ाई करी और हमने वीडियो में आके लड़ाई करी हमारे साथ बहुत। लड़ाई करी? हाँ। और उन्होंने वो भी ने बोला कि मैं, मेरी बॉडी है, मैं तुम्हें मारूंगा।
उन्होंने हमारे साथ लड़ाई करी और मामू ने ये नहीं बोला कि मेरी बॉडी है मैं तुम्हें मारूंगा, तो मैं भी मारूंगा थोड़ी यार, मैं उनको मारने थोड़ी आया हूँ मैं उनको, ऐसे कोई आगे से लड़ाई करता है तो उसको मारते थोड़ी है ना। मेरे साथ बैठेगी डिशुम। मांग दिया मैं सॉरी सॉरी जे गलती हुई। ये देखे ये गांधी जी के चार बंदर, 1 2 3 4। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? आसन ब्राज। बोटिंग भी करेगी वहाँ जाके तो? और क्या क्या करेगी? अभी पहुंच चुके हैं आसन बैराज, यहाँ पे मैं आपको बोल रहा था कि लेके चलेंगे आपको आसन बैराज। काफी अच्छा बना हुआ है कॉटेज टाइप का। अरे सर ये क्या कहते हैं यहाँ पे रूम है क्या? हाँ रूम रहने के लिए भी है, है? रहने के लिए है क्या कॉटेज? हाँ। क्या रेंट होता है? 2800 रुपये। तो भाई यहाँ पे रूम भी है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे रुक भी सकते हो। देखो अच्छा बना हुआ है गाइज, और यहाँ पे रूम्स वगैरह है तो आप रुक भी सकते हो, बाकी यहाँ पे किचन वगैरह भी है तो खाना वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं है, और बोटिंग भी है, बोटिंग भी कर सकते हो आप। खैर अभी बोटिंग करने का मन नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई लोग है भी नहीं ज़्यादा, तो बोटिंग तो क्या ही करेंगे। ऐसा क्या हुआ? सुसु आ गई, आ जा भाग क्या बीच में कर दे। झूठ बड़ा बोलती है तू। मम्मा की बात जल्दी आ जा, आ जा खा चीजी खाएंगे, आ जा जल्दी जाओ उधर नीचे। तेरे को डॉगी की और मंकी की लड़ाई हो गई। ओ मंकी भाग गया। नहीं खाता अभी, लग रही है बहुत तेज भूख, और अभी खाना ऑर्डर कर दिया, खाना आएगा और फिर खाते हैं। निशा तू कॉफी पीनी है? क्या था कॉफी? तू गिरी नहीं थी पानी में? नहीं। कैसे करी थी? मैं बीच में बैठ गई थी। अच्छा बीच में बैठ गई थी। हाँ। और फिर क्या कर रहा था? मैं गिरी नहीं। और फिर मैं थक गई। अच्छा तेरे को पानी में फेंक दूं? हाँ फेंक दो। फेंक दूं? मजा आएगा तेरे को? नहीं आएगा। तो फिर क्यों बोल रही है फेंक दो? तो ये था आसन बैराज, आसन बैराज मैंने आपको दिखा दिया, कुछ ज़्यादा खास नहीं था। यहाँ पे कॉटेजेस है इस साइड, यहाँ पे आप रूम ले सकते हो रेंट में, 2500 रुपीज़ रूम का किराया है, और बाकी यहाँ पे बोटिंग है, बोटिंग कर सकते हो आप। बाकी ये है कि काफ़ी पीसफुल जगह है, और फोटोज़ वगैरह खिंचाने के लिए काफ़ी अच्छी लोकेशन है ये, तो आप डाक पत्थर आओ तो यहाँ पे आना आप प्रेफर कर सकते हो। और बस और तो कुछ है नहीं ज़्यादा खास दिखाने के लिए, तो ये वाला व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, तो मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट व्लॉग पे। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, एंड सी यू सून। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, और सब्सक्राइब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता तो दबा देना यार बटन। चलो बाय। रेडी 1 2 3 स्टार्ट।